ओरिएंटल इंश्योरेंस के मंडल कार्यालय में तेंदुपत्ता के बीमा क्लेम की आड़ में यहां करोड़ों के फर्जी भुगतान की विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। हाल ही में इस फर्जीवाड़े की शिकायत दिल्ली स्थित मुख्यालय में की गई थी। जानकारों के मुताबिक मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्देशन पर रीजनल ऑफिस इंदौर से यहाँ पहुँचे विजिलेंस ऑफिसर जय तिलक जैन ने जाँच शुरू की है। इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ सीनियर डिविजनल मैनेजर RC परतेती और डेवलपमेंट ऑफिसर विजय मोगिया से भी पूछताछ की है। इसी बीच सूत्रों की शुरुआत तौर पर बीमा क्लेम के मद से तकरीबन 4,50,00,000 के फर्जी भुगतान की आशंका है। इस मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस का पक्ष जानने के लिए DGM प्रेम कुमार सिंह से बात की गई, लेकिन उन्होंने इस संबंध में बात करने से इनकार कर दिया। शिकायत में आरोप है कि तेंदुपत्ता के बीमा क्लेम के 16 ऐसे बड़े केस हैं जिनमें या तो फर्जी भुगतान हुआ है या फिर सेटलमेंट एक से अधिक बार किया गया है। सभी मामले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से पहले के हो सकते हैं। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर वित्तीय अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए सभी दावे टुकड़ों में रजिस्टर कर स्वयं भुगतान हासिल किए गए हैं। सर्वेयर की नियुक्तियों में भी कानून कायदे ताक पर रखे गए हैं। हर ऑफिसर्स का अलग अलग क्वांटम रहता है, किसी ऑफिस में ज्यादा फाइलें रहती हैं, किसी में कम रहती हैं, किसी में एक डिपार्टमेंट की ज्यादा रहती है, किसी में दूसरे डिपार्टमेंट की ज्यादा रहती है, तो उसके बेसिस पर चेक करते हैं हम, रैंडम चेकिंग करते हैं, क्योंकि सारी फाइलें तो एक दिन में चेक करना पॉसिबल होता नहीं है।